यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम जो है वो है डिमांड एनालिसिस। ये टॉपिक जो है वो दोनों क्लासेस के अंदर है, मेरा दोनों सब्जेक्ट में है। चाहे अगर मैं बात करता हूँ कॉमर्स का, तो कॉमर्स के अंदर यूनिट नंबर 3 जो है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो इसके अंदर भी ये चैप्टर नंबर 3 मैंने इसमें डाला हुआ है। और अगर बात करेंगे मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम जो है वो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है ये डाला हुआ है। मोर ऑर लेस ये कॉमन टॉपिक है दोनों के अंदर, तो हम जो है उसको यहीं पे जो है वो कवर करेंगे। अगर बात करते हैं डिमांड एनालिसिस का, तो कॉमर्स के अंदर तो दो ही कॉन्सेप्ट्स है, एक है डिमांड और उसका लो ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड का फंक्शंस लो ऑफ डिमांड ये, और एक है आपका इलास्टिसिटी। लेकिन अगर बात करूंगा मैं मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट के अंदर 3 टॉपिक हैं इसके अंदर, दो तो कॉमन वाले हैं कॉमर्स वाले जिसके अंदर डिमांड एनालिसिस और आपका इलास्टिसिटी, और एक नया टॉपिक इसके अंदर हो रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग के जो अलग अलग टूल्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो हैं वो इसके अंदर अलग से हैं, तो उसको हम करेंगे बाद में। अभी फिलहाल आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो डिमांड का टॉपिक जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो इसके अंदर हम लोग आज की क्लास में ये देखेंगे कि डिमांड क्या है, दो क्लासेस इसके ऊपर लगाने वाले हैं। इलास्टिसिटी का तो एक क्लास में कवर करेंगे थर्ड लेक्चर में, अभी दो लेक्चर हम पूरे लगाएंगे डिमांड के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल्स क्या होते हैं दो तरह के, इंडिविजुअल और मार्केट, डिमांड कर्व कौन से हैं, डिमांड कर्व भी दो तरह के हैं, फिर डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, फिर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, और उसके जो आपके फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं वो, ठीक है। तो वो हम इस क्लास के अंदर जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं, तो सबसे पहले हम लोग उसका जो है वो इंस्टेंस जाके देखते हैं कि आखिर वो टॉपिक की जरूरत क्या हुई, मतलब क्यों हम लोग जो है वो उस चीज को पढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो अगर हम बात करें डिमांड एनालिसिस का, तो ये हम क्यों पढ़ते हैं, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में जो हमने जब चैप्टर नंबर 5 हमने मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स का किया था, तो उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमने क्लियर की थी, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स का मतलब जो है वो क्या होता है, कि हम मैनेजमेंट को, जो मैनेजमेंट होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको जो है वो लेने पड़ते हैं क्या, कुछ डिसीजन, क्या लेने, डिसीजन। और जब मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर जो है वो इकोनॉमिक्स के टूल्स को या इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को, इकोनॉमी के टूल को या इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को जो है वो क्या कर रही है, जब मैनेजमेंट अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या कर रही है, उसको यूज कर रही है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन मेकिंग के अंदर, दोबारा सुनिएगा, मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन मेकिंग के अंदर इकोनॉमिक्स के टूल्स को या इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को या इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्या करना, यूज करना, मतलब डिसीजन लेते हुए इकोनॉमिक्स के टूल्स की हेल्प लेना, इज नोन एज मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स। बेसिकली हमने वहां पे पढ़ा भी था कि हम लोग मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स के अंदर जनरली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेके चलते हैं, तो जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं, लाइक आपका डिमांड हो गया, लाइक आपका सप्लाई हो गया, लाइक आपका कंज्यूमर इक्विब्रियम हो गया, लाइक आपका प्रोड्यूसर इक्विब्रियम हो गया, लाइक आपका रेवेन्यू हो गया, लाइक आपका मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, तो इन सबको, मतलब ये जो आपकी थ्योरीज हैं अलग अलग, जब इन थ्योरीज को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या करने में, मैनेजीरियल डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मैनेजमेंट या मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स। ओके, और मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स के अंदर ही, क्योंकि आपको लेने पड़ते हैं क्या, डिसीजन, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ते हैं डिमांड एनालिसिस को। किसको पढ़ते हैं, डिमांड एनालिसिस को। हम लोगों को फ्यूचर के लिए डिमांड की फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, हमको ये देखना होता है कि क्या फ्यूचर के अंदर हमारी जो है, जो प्रोडक्ट है हमारा, उसकी डिमांड जो है वो क्या कुछ रहने वाली है। अब फ्यूचर की डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए पहले अपने को समझना पड़ेगा कि डिमांड होती क्या है, मतलब अगर आपको ये देखना है कि फ्यूचर के अंदर, मान लीजिए आने वाले साल के अंदर जो है हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसकी कितनी कितनी डिमांड होगी मार्केट के अंदर, तो उसको समझने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि भाई डिमांड क्या होती है, लो ऑफ डिमांड क्या होता है और इलास्टिसिटी क्या है। जब ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, देन हमारे लिए इजी हो जाएगा क्या करना, फोरकास्टिंग करना या फिर अपने को डिमांड एनालिसिस करना। तो आइए पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि आखिर हम क्यों पढ़ते हैं इसको। देखिएगा, वाई डिमांड एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस क्यों करते हैं, तो बोलते हैं डिमांड डिसीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। अगर मैं बात करता हूं किसका, मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट के लिए डिमांड डिसीजन जो है वो बहुत ही क्या है, क्रूशियल है, ठीक है जी। डिमांड एनालिसिस जो है उस वो बिजनेस या मैनेजरियल पर्पज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन रिस्पेक्ट में। सबसे पहला, डिमांड एनालिसिस के बेस पर या डिमांड एनालिसिस की मदद से हम लोग जो है वो सेल्स की क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करने का काम करते हैं, मतलब सेल्स को फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी सेल क्या क्या रहने
होने वाली है। प्लस में हम डिमांड को मैनिपुलेट भी करते हैं। अगर मान लीजिए प्रीवियस डिमांड जो है वो हमारी बहुत ही क्या है, कम रही है, मान लो जो हम जो प्रोडक्ट के अंदर जो हम डील करते हैं उसकी डिमांड बहुत ही क्या थी, कम थी, तो उसको देखकर हम लोग जो है फ्यूचर के अंदर हमारी डिमांड को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आप प्रोडक्ट के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट ले आओ, प्राइसेस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, अच्छी अच्छी सर्विसेज जो है उसके अंदर क्या कर दो, इंक्लूड कर दो, तो आप डिमांड को इंक्रीज भी करवा सकते हो। तो मैनिपुलेशन का मतलब यहां पे जो है वो क्या है, गड़बड़ी नहीं, मैनिपुलेशन का मतलब है डिमांड को क्या करवाना, चेंज करवाना। आगे अप्रेजिंग द सेल्समैन परफॉर्मेंस, आपके जो सेल्समैन है जो बेसिकली आपके बिहाफ पे सेल करने का काम करते हैं, तो वो लोग जो है अच्छे से सेल कर रहे नहीं कर रहे, उसको अप्रेज करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल के लिए हम लोग जो है बेसिकली क्या करते हैं, डिमांड का एनालिसिस करते हैं। एंड ट्रैकिंग द ट्रेंड ऑफ द फर्म कॉम्पिटिटिव पोजिशन इन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर जो है क्या ट्रेंड चल रहा है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है हमारी वो कैसी है, तो इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, डिमांड एनालिसिस। तो भाई डिमांड एनालिसिस बहुत ही हमारे लिए वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजीरियल डिसीजन मेकिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जब इकोनॉमिक्स के टूल्स को यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग डिमांड का एनालिसिस बेसिकली करते हैं। अब डिमांड एनालिसिस अगर आपको प्रॉपरली करना है तो उसके लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, इसको हम बेसिकली यूज करते हैं किसके लिए, फोरकास्टिंग के लिए। और डिमांड एनालिसिस को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा डिमांड क्या, लॉ ऑफ डिमांड क्या एंड इलास्टिसिटी। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, हाउएवर डिमांड एनालिसिस प्राइमरली मेनली जो हम डिमांड एनालिसिस को यूज करते हैं किसके लिए, फॉर फोरकास्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द सेल, फोरकास्टिंग करने के लिए या सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम लोग डिमांड एनालिसिस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। टू अंडरस्टैंड द डिमांड एनालिसिस, और अगर आपको डिमांड एनालिसिस को अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड द इलास्टिसिटी। तो पहले अपने को ये तीनों चीजें जो है वो समझनी पड़ेंगी। ओके हाँ जी, अब अगर मैं बात करता हूं डिमांड का, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि व्हाट इज डिमांड, डिमांड जो है वो क्या है, अगर हम बात करते हैं डिमांड की कि डिमांड क्या है। देखिए डिमांड को पढ़ने के लिए कुछ हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। एक सबसे पहला जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिजायर, फिर आएगा आपका वोन, और फिर बनेगी क्या आपकी डिमांड। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास में कोई एक सामान होना चाहिए, एग्जांपल के तौर पे कोई भी लग्जरी सामान की बात करता हूं जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एग्जांपल मान लीजिए मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास में जो है वो रोल्स रॉयस होनी चाहिए। अब ये 7 CR की गाड़ी है, 7 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है, और मैं ये चाहता हूं कि यार मेरे पास ये होनी चाहिए, बट इसको परचेज करने के लिए मेरे पास में जो है वो पैसा 7 करोड़ रुपया नहीं है। ये ओनली क्या है, एक विशफुल थिंकिंग है, मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, बट उस सामान को परचेज करने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइए इसको हम लोग जो है वो बोलते हैं क्या, डिजायर। ओनली क्या बोलेंगे, डिजायर। ये मेरी एक इच्छा है कि मेरे पास में वो सामान होना चाहिए। तो डिजायर जो है वो बेसिकली क्या है, डिजायर इज जस्ट ए विशफुल थिंकिंग। डिजायर जो है वो ओनली क्या है, एक विशफुल थिंकिंग है, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे पास वो सामान होना चाहिए, बट आई एम नॉट एबल टू बाय दैट प्रोडक्ट, लेकिन मैं एबल नहीं हूं, मेरे पास में उतना पैसा नहीं है कि मैं उस सामान को जो है वो अफोर्ड कर सकूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजायर, तो आप क्या बोलोगे, डिजायर इज जस्ट द विशफुल थिंकिंग। तो क्या लिखा है, डिजायर इज जस्ट ए विशफुल थिंकिंग, इफ यू डिजायर टू बाय ए कलर टीवी, अगर आप ये डिजायर करते हैं कि आपको जो है वो कलर टीवी को परचेस करना है, बट डू नॉट हैव द मनी विद यू, लेकिन उसको परचेस करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, देन दिस डिजायर रिमेन टू द विशफुल थिंकिंग। तो ये जो इच्छा है वो ओनली क्या रहेगी, एक विशफुल थिंकिंग रहेगी। आगे इट विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड, उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे, ठीक है जी। आगे लाइक वाइज इफ यू हैव द एनफ मनी, अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी इच्छा थी कि मेरे पास में 7 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस होनी चाहिए, लेकिन उसको परचेस करने के लिए जो पैसा वो भी मेरे पास है। एग्जांपल मान लीजिए मेरी कोई लॉटरी लगी और मेरे पास में 7 CR हैं, आज के डेट में मेरे पास में 7 करोड़ रुपए पड़ा है, और जो वो गाड़ी जो है रोल्स रॉयस वो भी कितने की, 7 करोड़ की, लेकिन अगर मैं जो पैसा मेरे पास आज अवेलेबल है उसको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं रोल्स रॉयस के ऊपर खर्च करने के लिए एबल नहीं या विलिंग नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वोंट। वोंट का मतलब क्या होता है, इफ यू हैव द एनफ मनी, अगर आपके पास में एनफ मनी तो है, मतलब इतना पैसा पड़ा है कि आप उस कमोडिटी को बाय कर सकते हो, बट लेकिन खास बात क्या, बट यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड इट ऑन द कलर टीवी, देन दिस डिजायर विल एट द बेस्ट बी कॉल्ड द वोंट। इसको आप क्या बोलोगे, वोंट बोलोगे, क्या बोलोगे, वोंट बोलोगे, बट नॉट डिमांड। दिस डिजायर विल बिकम डिमांड, और ये डिमांड कब बनेगी, ये डिमांड बनेगी व्हेन यू आर रेडी टू बाय द कलर टीवी एट ए गिवन प्राइस एंड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जब आप गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे उसी प्राइस पे उसको परचेस करने के लिए विलिंग भी हो जाओगे, जब आप विलिंगनेस भी शो करोगे कि ठीक है मेरे पास पैसा पड़ा है और मैं इस पैसे को उस सामान के ऊपर खर्च
करना चाहता हूं, तो फिर जो है वो क्या क्या बन जाएगा आपका, बोलो, तो ये डिमांड बन जाएगी। तो डिमांड देयरफॉर इज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू द प्राइस एंड ए गिवन टाइम। डिमांड को हम डिफाइन करते हैं एज अ क्वांटिटी। डिमांड जो है वो क्या है जी, डिमांड है क्वांटिटीज, अलग अलग क्वांटिटीज एक प्रोडक्ट की, जिसको कंज्यूमर नॉट ओनली डिजायरिंग, सिर्फ इच्छा नहीं करता परचेस करने की, बल्कि वो क्या है, एबल भी है एंड इज ऑल्सो रेडी भी है कि वो परचेस करेगा एट द गिवन प्राइस एंड ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड। ओके जी सर, आगे, इन अदर वर्ड्स इट रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। ये इंडिकेट करेगा हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी विल बी डिमांडेड एट इट्स डिफरेंट प्राइस। अलग अलग प्राइसेस के ऊपर एक प्रोडक्ट की कितनी कितनी अलग अलग क्वांटिटीज जो है वो परचेस की जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड। यहां पर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे, एक आएगा जी आपका क्वांटिटी डिमांडेड और एक आएगा क्या, डिमांड। लेकिन अभी के लिए मैं पहले ये तीनों बातों को जो है वो क्लियर करता हूं जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट रुकिए। ये देखिएगा, ये हमने पढ़ा था डिजायर क्या है, वोंट क्या है और डिमांड क्या है। तो डिजायर का मतलब ओनली क्या होती है, विशुअल थिंकिंग, मैं चाहता हूं मेरे पास ये चीज होनी चाहिए बट उसको परचेस करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, डिजायर। डिजायर वोंट कब बनेगी, जब मैं चाहता हूं मेरे पास वो सामान होना चाहिए लेकिन और पैसा भी है उस सामान को परचेस करने का, बट अभी आज के डेट में मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि उस पैसे को मैं वहां पे क्या करूं, स्पेंड करूं, तो उसको क्या बोल लूंगा, वोंट। और ये डिमांड कब बनेगी, जब मैं चाहता हूं मेरी विशुअल थिंकिंग भी है, मतलब मेरी डिजायर भी है और उसको डिजायर को पूरा करने के पास के लिए मेरे पास एम्पल अमाउंट भी अवेलेबल है और आज मेरी विलिंगनेस भी है कि उस पैसे को मैं उस सामान के ऊपर खर्च करना चाहता हूं, तो इसको क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। अब यहां पे तीन बातें अपनी जो क्लियर हुई है पहले उसको मैं एक बार बता दूं। देखिए तीन जो चीजें थी वो क्या थी, एक तो था जी आपका डिजायर। तो डिजायर जो है हमने पढ़ा वो क्या था, डिजायर इज द विशफुल थिंकिंग। डिजायर जो है वो क्या था जी आपका, विशफुल थिंकिंग थी। अब विशफुल थिंकिंग की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे क्या, बट डू नॉट हैव द एनफ मनी टू बाय, मतलब आप चाहते हो कि आपके पास ये सामान होना चाहिए लेकिन उसको परचेस करने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या बोलोगे, डिजायर। वोंट क्या है, इफ यू हैव द एनफ मनी, अगर आपके पास में एनफ मनी है बट नॉट विलिंग टू स्पेंड इट ऑन द प्रोडक्ट, लेकिन अभी आज उस पैसे को आप इस सामान के ऊपर खर्च करने के लिए विलिंग नहीं हो, देन दिस डिजायर विल एट द बेस्ट बी कॉल्ड द वोंट। और ये डिमांड कब बनेगी, इन दिस कंज्यूमर इज नॉट ओनली डिजायरिंग, यहां पे कंज्यूमर ओनली डिजायर नहीं करता परचेस करने की बल्कि एबल भी है एंड इज ऑल्सो रेडी भी है कि वो परचेस करेगा एट द गिवन प्राइसेस एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड। तो डिमांड का मतलब क्या, जब आपकी डिजायर भी है, आपकी इच्छा भी है और आप एबल भी हो और आज की डेट में आप रेडी भी हो कि वो जो पैसा पड़ा है आपके पास उसको आप उस कॉमोडिटी के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार भी हो, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डिमांड। ओके हाँ जी सर, अब मैंने यहां पे एक बात बोली कि डिमांड जो है हम यहां हमेशा ये बोलते हैं एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे एट ए गिवन प्राइस के ऊपर। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए कोई एक कॉमोडिटी की बात करता हूं, लाइक जस्ट लाइक द ये पेन, ठीक है, इनकी प्राइस और मैं यहां पे लिखता हूं क्वांटिटी डिमांड। ध्यान से सुनना, अगर ये पेन का ₹5 रेट था, क्या रेट था, ₹5, तो मैं इसकी 20 यूनिट्स को परचेस करता था, कितने यूनिट्स रहता था, 20 यूनिट, मतलब एक महीने में अगर जब इसका रेट जो है वो क्या चलता था, ₹5, तो मैं इसकी कितनी क्वांटिटीज को परचेस करता था, 20 यूनिट्स को मैं जो है वो क्या करता था, परचेस करता था, ठीक है। ये है आपका क्वांटिटी डिमांडेड, ये जो 20 यूनिट्स है इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। एट वन गिवन पॉइंट ऑफ प्राइस पे, मतलब एक प्राइस के ऊपर आप उस सामान की जितनी क्वांटिटीज परचेस करने के लिए एबल हो उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। मतलब एक प्राइस पर, ध्यान से सुनना, किस पे, एक प्राइस पर, किसी एक प्राइस पे मैं उस सामान की कितनी कॉमोडिटीज, एक प्राइस पर मैं उस सामान की कितनी कॉमोडिटीज परचेस करने के लिए क्या हूं, एबल और विलिंग हूं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्वांटिटी डिमांड। अब कल को अगर मान लो ये 5 की जगह रेट जो है वो क्या हो गए, बढ़ के जो है वो हो गए मान लो ₹10, तो अब मैं जो है नेचुरल बात है अगर रेट जो है वो बढ़ेगा तो मैं मेरी डिमांड को क्या करूंगा, कम करूंगा, मेरी डिमांड जो है वो कम हो गई और 20 से जो है वो हो गई कितनी, एग्जांपल मान लो 10 यूनिट की हो गई, कितनी होगी, 10 यूनिट की होगी। अब ये बताइए ये क्या है, अगर मैं इंडिविजुअली इसको पढ़ रहा हूं कि ₹10 पे 10 यूनिट परचेस की जा रही है तो ये भी है क्वांटिटी डिमांड, और अगर मैं इसको पूरा पढ़ रहा हूं ये पूरा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या,
डिमांड। क्या बोलेंगे? डिमांड। तो डिमांड का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है कोई आपका, उसके अलग अलग स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा बात को मेरी। डिमांड का मतलब क्या? डिमांड ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू द एक प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइसेस के ऊपर हम उसकी अलग अलग क्वांटिटी की जो डिमांड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिमांड। उसको क्या बोलते हैं? डिमांड। आइए इसको और क्लियर करते हैं हम लोग। ये देखिएगा, यहां तक मैंने आपको करवाया था, अब आगे शुरू होता है क्या? ये बोलता है इट इंडिकेट, इन अदर वर्ड्स इट रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। अब ध्यान से सुनिएगा, इट इंडिकेट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विल बी डिमांडेड एट द डिफरेंट प्राइस। ठीक है, इट मे बी पॉइंट आउट दैट बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट द अल्टरनेट प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वेयर एज जबकि द क्वांटिटी डिमांड, जबकि अगर बात करूंगा किसी का क्वांटिटी डिमांड का, तो क्वांटिटी डिमांड में तो एक ही प्राइस के ऊपर देखते हैं कि एक गिवन प्राइस पे एक जो कंज्यूमर है वो कितनी क्वांटिटीज परचेज करने की इच्छा जाहिर करता है, उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। अब यहां से समझना, वेयर एज द क्वांटिटी डिमांडेड इज ए स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो बायर विलिंग है और एबल है क्या करने के लिए? बाय करने के लिए एट वन प्राइस। तो यहां पे प्राइस जो रहेगा वो क्या रहेगा? वन प्राइस रहेगा। एग्जांपल तो रखे, कंज्यूमर की एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाय 4 आइसक्रीम एट द प्राइस ऑफ 1 पर आइसक्रीम इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड, वेयर द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर टू बाय 4 आइसक्रीम एट रुपीज 1, 3 आइसक्रीम एट रुपीज 3 पर आइसक्रीम, ये है क्या आपका डिमांड। तो मैंने यहां पे बता भी दिया कि एग्जांपल मान लीजिए 1 रुपए रेट था, तो हमने जो है वो किसी कमोडिटीज की जो है वो 5 यूनिट्स को क्या किया? परचेज किया। ये इंडिविजुअल बेसिस पे अगर लेते हो तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या? क्वांटिटी डिमांड। वेयरएज अगर मैं डिमांड की बात करूंगा तो यहां पे क्या होगा? अलग अलग प्राइसेस पे जो अलग अलग क्वांटिटीज परचेज की गई उस पूरे को बोलते हैं हम लोग क्या? डिमांड। लाइक 1 रुपए रेट था तो हमने किसी प्रोडक्ट की 5 यूनिट्स को परचेज किया, जब रेट 2 रुपए हो गए, रेट बढ़ गया तो नेचुरल बात है डिमांड हमने कुछ कम करके 3 कर दी, रेट 3 रुपए हो गया तो डिमांड और भी क्या कर दी? कम कर दी। जब इस पूरे को इकट्ठा पढ़ते तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिमांड। तो दोनों चीजों में फर्क आ गया, एक वर्ड तो है क्वांटिटी डिमांडेड, वहां पे हम क्या बोलते हैं कि एक प्राइस पर, वन प्राइस के ऊपर कोई एक ऐसा प्राइस है उस प्राइस पे एक कंज्यूमर जितने क्वांटिटीज परचेस करता है उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, और अलग अलग प्राइसेस के ऊपर जो अलग अलग क्वांटिटीज को परचेस किया गया उस पूरे एग्रीगेट को बोलते हैं हम लोग क्या? डिमांड। चलो अब डिमांड की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। डिमांड की जो है वो क्या है? डिमांड रेफर द क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी जिसको एक कंज्यूमर एबल भी है और विलिंग भी है क्या करने के लिए? बाय करने के लिए एट ईच पॉसिबल, क्योंकि डिमांड की बात हो रही है ना, तो क्या होगा? अलग अलग प्राइसेस के ऊपर अलग अलग कितनी क्वांटिटीज आप परचेज करने के लिए एबल और विलिंग हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिमांड। दोबारा पढ़ते हैं एक बार। डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी जिसको एक कंज्यूमर एबल भी है और विलिंग भी है क्या करने के लिए? बाय करने के लिए एट ईच पॉसिबल प्राइस, अलग अलग प्राइस पे ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग बीइंग इक्वल। चलो जी, अब यहां पे ना एक डेफिनेशन और है। ये क्या बोलती है? डिमांड जो है वो क्या है? डिमांड इज द एबिलिटी है और विलिंगनेस है क्या करने का? बाय करने का स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ए गुड एट द अल्टरनेट प्राइस इन ए गिवन टाइम पीरियड सेटरिस पेरिबस। अगर बाकी सभी अदर थिंग बींग कॉन्स्टेंट एक वर्ड आएगा तो उसको बोलते हैं सेटरिस पेरिबस, उसको बोलते हैं अदर थिंग्स बींग कॉन्स्टेंट। अभी आगे देखेंगे, ठीक है ना, मतलब अगर बाकी सारी बातें कॉन्स्टेंट रहें तो बताइए क्या होगा। ठीक है, आगे इट इज अपेरेंट फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, जो ऊपर वाली डेफिनेशन है इनको देख के ये लगता है कि डिमांड के जो है वो क्या है? 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब जो है वो क्या? पार्ट्स। पहला डिजायर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? डिजायर होनी चाहिए। दूसरा, उस डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा भी होना चाहिए। तीसरा, इच्छा भी होनी चाहिए। डिजायर तो है, पैसा भी है, लेकिन इच्छा नहीं है तो भी डिमांड नहीं बनेगा, इच्छा भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए। फिर चौथा, रिलेशनशिप होता है किसमें? प्राइस में और क्वांटिटी में। और पांचवा, रिलेशनशिप ऑफ द टाइम एंड द क्वांटिटी, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक गिवन प्राइस पर एक कंज्यूमर किसी कमोडिटीज की अलग अलग कितने यूनिट परचेज करने के लिए एबल और विलिंग है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिमांड। दस, तो यहां पे नटशेल में क्या बोलते हैं? डिमांड फॉर ए कमोडिटी शुड बी एक्सप्रेस, डिमांड को एक्सप्रेस करेंगे एज ए रेट एट विच, वो रेट जिसपे सर्टेन मतलब अलग अलग क्वांटिटी क्या की गई? डिमांड की गई पर यूनिट ऑफ द टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस। इन अदर वर्ड्स, डिमांड जो है वो क्या है? एक फ्लो एक्टिविटी है। तो ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है डिमांड जो है वो क्या है, तो आप क्या, वो डिमांड जो है वो एक फ्लो एक्टिविटी है। फ्लो बताता है ये कि अलग अलग रेट के ऊपर, क्या बोल रहा हूं, फ्लो इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पे कि अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटीज की जो डिमांड की जाती है इसको बोलते हैं हम लोग क्या?
डिमांड, क्या बोलते हैं डिमांड, और एक स्पेसिफिक प्राइस पर, ध्यान से सुनिएगा, एक स्पेसिफिक प्राइस पर जितने कमोडिटीज की डिमांड की जाती है डेट इज नोन एज अ क्वांटिटी डिमांडेड, एंड अलग अलग प्राइसेस पर जितनी अलग अलग क्वांटिटीज की डिमांड की जाती है इज नोन एज अ डिमांड। आई होप यहां तक क्लियर है जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमने कर लिया। अब आएगा एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है मार्केट डिमांड। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं होल मार्केट सिनेरियो की बात करता हूं तो पूरी मार्केट के अंदर जो है वो अलग अलग कंज्यूमर्स होते हैं जी। हर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है वो अलग अलग रेट पर, एक एक की बात हो रही है, जैसे मिस्टर ए, ये मिस्टर ए जो है ना वो कोई एक कमोडिटी है लाइक मान लो पेन, तो इस पेन के अलग अलग रेट पर वो कितने कितने यूनिट्स को परचेस करने के लिए एबल विलिंग है उसको तो बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। और अगर इस पेन के सारे कस्टमर ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी कस्टमर है अगर उन सब लोगों को अगर मैं जोड़ दूं उन सबकी जो डिमांड होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या मार्केट डिमांड। पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी मे बी डिफाइंड एज अ क्वांटिटीज, डिमांड की बात हो रही है ना, तो डिमांड में क्या होता है अलग अलग रेट पर अलग अलग क्वांटिटीज, तो क्या बोलते हैं क्वांटिटीज ऑफ द डेट कमोडिटी दैट द इंडिविजुअल इज विलिंग एंड एबल टू रेडी एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। जबकि अगर मार्केट डिमांड की बात करूंगा तो ये क्या होता है, मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द सम ऑफ क्वांटिटीज डिमांडेड बाय इंडिविजुअल एट ईच पॉसिबल प्राइस। तो ये है क्या सभी इंडिविजुअल्स के द्वारा। चलो जी आगे, वेयर इज द मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटीज द सम ऑफ द क्वांटिटीज डिमांडेड बाय इंडिविजुअल्स एट ईच पॉसिबल प्राइस। अब आएगा, ये तो है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। एक होता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक टेबल जो बेसिकली प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप जो शो करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल एक टेबल है, डिमांड शेड्यूल जो है वो क्या है, ये टेबल है जो शो करती है डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ डेट गुड्स डिमांडेड एट ईच ऑफ दीज प्राइस। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या डिमांड शेड्यूल। लाइक ये जो हमने बनाया, देखिएगा ये देखो, ये हमने जो बनाया ना, ये टेबल जो है, जैसे मैं नहीं बना के दिखाता हूँ, ये मान लीजिए प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ओके प्राइस 4 3 2 1 डिमांड 1 2 3 4। ये देखिएगा, जब प्राइस 4 रुपये थे, क्या था 4 रुपये, तो हम किसी कॉमोडिटी की एक यूनिट को परचेस करते थे, कितने एक को परचेस करते थे। जब प्राइस घट के 3 हो गए तो हमने अपनी डिमांड को बढ़ा लिया, फिर 2 से 2 पे 3 कर लिया, 1 पे 4 कर लिया। ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल है इसको बोलते हैं हम लोग क्या डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ये बात समझ में आ गई क्या जी सर। चलो पढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल क्या है। आइए जी, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल। डिमांड शेड्यूल एक जो है वो क्या है, टेबल है जो शो करती है डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ डेट गुड्स डिमांडेड एट ईच ऑफ दीज प्राइस, की अलग अलग प्राइसेस के ऊपर जो है क्या कौन कितनी अलग अलग क्वांटिटीज को परचेस किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या डिमांड शेड्यूल। तो उसको शो करने वाली जो टेबल है उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक कौन सा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होगा, एक इंडिविजुअल मतलब एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग रेट पर जितनी अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड्स की बात करता है उस पूरी टेबल को बोलते हैं हम लोग क्या इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या हो गया कि एक कोई प्रोडक्ट है उसके जितने भी कस्टमर्स हैं वो सारे अलग अलग रेट पर जो अलग अलग क्वांटिटीज डिमांडेड की बात करते हैं उसको बोलते हैं, उसको जो कंबाइन कर दें तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या मार्केट डिमांड शेड्यूल। पहले पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इन टेबल एक द टेबल विच शोज द क्वांटिटी ऑफ द गिवन कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल कस्टमर, किसकी बात हो रही है इंडिविजुअल कंज्यूमर विल बाय एट ऑल पॉसिबल प्राइस एट द गिवन टाइम, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। वही अगर बात करूंगा किसका मार्केट डिमांड शेड्यूल का, तो ये क्या है द टेबल जो इंडिकेट करते हैं क्वांटिटी डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी कलेक्टिवली एट ए डिफरेंट प्राइस इज नोन एज अ मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो ये आपको बता भी रखा है, यहां तो मान लो बात हो रही है ओनली किसका मिस्टर ए के डिमांड की बात हो रही है, तो 1 पर उसने 4 खरीदा, 2 पर 3, 3 पे 2 और 4 पे 1। और वहां अगर मार्केट की बात करता हूं तो यहां पे देखो मिस्टर ए की भी डिमांड है, मिस्टर बी की, और इन दोनों को अगर मैं क्या कर दूं कंबाइन कर दूं तो बन जाएगी पूरी किसकी मार्केट की। चलो अब आएगा एक होता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है, ये जो डिमांड शेड्यूल जो था, वो जो टेबल थी ना, जब आप उसको वो जो रिलेशनशिप था जब उसको कर्व के फॉर्म में ले आते हो तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व जो है वो क्या है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसका डिमांड शेड्यूल का। मतलब जो आपका डिमांड शेड्यूल है जब आप उसको ग्राफिकली क्या करते हो
प्रेजेंट करते हो तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डिमांड कर्व। और द कर्व विच शोज द रिलेशन, एक ऐसा कर्व जो रिलेशन शो करता है बिटवीन किस किस में, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी दैट द कंज्यूमर विशेस टू परचेज इज नोन एज अ डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व बेसिकली क्या है, जो आपका डिमांड शेड्यूल था उसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड कर्व। अब डिमांड, जैसे डिमांड शेड्यूल दो तरीके का था इंडिविजुअल और मार्केट, वैसे डिमांड कर्व भी आपका दो तरीके का रहेगा, एक रहेगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक रहेगा मार्केट। ये मैं नीचे दिखा रखा है, यहां तक ओके जी सर। तो दो चीजें हमने कवर की, एक होता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या, एक टेबल, एक ऐसी टेबल जो प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड के अंदर रिलेशनशिप मेंटेन करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड शेड्यूल। और डिमांड कर्व क्या होता है, जब आप डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो कर्व के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड कर्व। दोनों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है कौन सा, मार्केट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा यहां पे ये जो डिमांड कर्व है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इस तरीके का ये जो है आपका डिमांड कर्व होता है। अब क्वेश्चन ये है कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो क्यों होता है, ध्यान से सुनना। ये देखो जी, ये मेरा डिमांड था, एग्जांपल के तौर पे मैं लेके चलता हूँ। मान लीजिए हमने, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है। जब रेट जो है वो एक रुपया था तो हम किसी कोई एक प्रोडक्ट था उसके 3 यूनिट को परचेज करते थे। जब रेट 2 रुपये हो गया तो नेचुरल बात है जब रेट बढ़ेगा तो हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी, कम। तो रेट 2 रुपये होने पर हमने अब उसकी ओनली 2 यूनिट्स ली। कल को अगर रेट 3 रुपये हो गया, नई सिचुएशन आ गई, तो हमने जो है वो डिमांड और भी कम कर दी, क्या कर दी, 1 कर दी, ठीक है। अब इसको अगर मैं प्लॉट करता हूं तो नीचे आएगा क्वांटिटी, साइड में आएगा यहां पे क्या, प्राइस। मतलब ओएक्स एक्सिस पे मैं प्लॉट करूंगा क्वांटिटी को और ओवाई एक्सिस के ऊपर जो है वो क्या आएगा, प्राइस आएगा। अब इसको मैंने बनाया 1 रुपये पर जो है कितने यूनिट्स की डिमांड है, 3 की, ये मैंने बना दिया। 2 रुपये पर 2 यूनिट की और 3 रुपये पर 1 यूनिट की। इसको जब मैं प्लॉट करूंगा तो ये बन गया मेरा क्या, डीडी इज द डिमांड कर्व। ये डीडी मेरा डिमांड कर्व बन गया, बन गया ना। अब ये डिमांड कर्व जो है ये कैसा है, ये देखिएगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये कैसा है, लेफ्ट टू राइट। डीडी आपका डिमांड कर्व है जो कि ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव रिलेशन है, और ये कैसा है, लेफ्ट टू राइट। अब ये ऐसा क्यों है, एज एविडेंट फ्रॉम दिस फिगर डीसी, डीसी बोले तो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके जी सर, अपवर्ड वाले कौन से होते हैं, ये देखिएगा, ये अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होते हैं, ऐसे जो ऐसे जाते हैं, समझ रहे हो, ये लेफ्ट से राइट जा रहे हैं लेकिन अपवर्ड पोजीशन में जा रहे हैं, और जो ये ऐसे, ये जो नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, तो बोलते हैं एज एविडेंट फ्रॉम दिस फिगर, ये जो आपको फिगर बना के दे रखी है, इससे ये अपने को पता चला कि अपना जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड, मतलब वो कैसा, नेगेटिव स्लोप होता है, बोल तो लेफ्ट से राइट की तरफ। इट मीन्स डिमांड एक्सटेंड, इसका मतलब ये है, डिमांड एक्सटेंड होती है जब प्राइस जो है वो क्या होते हैं, गिरते हैं, मतलब प्राइसिस के कम होने पर डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। लाइक देखिए, प्राइस पहले 2 रुपये था, ठीक है, 2 रुपये से प्राइस 1 रुपये हो गया, अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड देखिए 2 से कितनी होगी, 3 होगी, मतलब एक तरफ प्राइस कम हो रहा है और डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। और कल को अगर 2 रुपये से रेट जो है वो कितना हो गया, 3 रुपये, 2 से रेट बढ़ गया, 3 हो गया, तो डिमांड आपकी 2 से क्या हो गई है, 1 हो गई है, डिमांड क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब प्राइस में और डिमांड में जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, प्राइस में और डिमांड में रिलेशन कैसा, इनवर्स। तो बोलते हैं इट मींस डिमांड एक्सटेंड व्हेन प्राइस फॉल एंड द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन प्राइस राइज, डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व व्हिच इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लो ऑफ डिमांड इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो क्वेश्चन ये था कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, तो पहले तो आपको मैंने डिमांड कर्व दिखाया कि ये डिमांड कर्व है और इसलिए इसका स्लोप डाउनवर्ड है। अब क्यों है, उसके 5 रीजन है, वो हम देखते हैं एक-एक करके। चलो जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला रीजन जो है इसका वो है लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए पहली बात तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान उसके अंदर जो वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, यूटिलिटी। अब लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है, जब आप जैसे जैसे आप किसी एक कॉमोडिटी की, कोई एक सामान है उसकी मोर एंड मोर यूनिट्स को क्या करते रहोगे, कंज्यूम करते रहोगे, तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए आप गए पिज़्ज़ा खाने के लिए, ओके, और आपने जो है वो मान लीजिए कोई भी अनियन या कैप्सिकम आपने जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ओके, तो पिज़्ज़ा आपके पास में आ गया, उसमें 6 स्लाइसेस जो है वो बनी हुई थी। जब आप फर्स्ट स्लाइस को जब आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, तो उससे आपको यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है,
मतलब आपका स्वाद बहुत आएगा। फिर जब आप सेकंड को यूज़ करोगे तो यूटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, थर्ड स्लाइस को यूज़ करोगे तो यूटिलिटी और कम, फोर्थ स्लाइस को जब आप लोगे तो यूटिलिटी और कम। अब आपका यहाँ पे इच्छा पूरी हो चुकी थी, आप बोले जी इतनी भूख थी और हमने पूरी जो है वो क्या कर लिया, खा लिया। जब आप फिफ्थ स्लाइस के ऊपर जाओगे तो आपकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बोलो, और कम होती रहेगी। इसका मतलब ये हो गया, जब हम किसी एक सामान की बिना टाइम डिफरेंस के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को क्या करते रहेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे, तो हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली जो हमारी यूटिलिटी है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, उसको पढ़ना। बोलते हैं लो ऑफ डीएमयू बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। सबसे पहला रीजन ये है, मतलब आपके डिमांड करके डाउनवर्ड स्लोपिंग का सबसे पहला रीजन ये है, ड्यू टू द लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ये क्या बोलते हैं, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी रेफर टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी कॉमोडिटी डिमिनिश। जो मार्जिनल यूटिलिटी है कॉमोडिटी वो क्या होगी, डिमिनिश होगी एज मोर एंड मोर ऑफ डेट गुड्स इज परचेज। जैसे आप किसी एक कॉमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा गुड्स को क्या करोगे, परचेज करोगे, तो हर एक्स यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती रहेगी, कम। ऑब्वियसली ए कंज्यूमर विल बाय। अब आप बताइए, आप उस पिज्जा को अगर परचेज करना पड़े तो आप क्या उसी रेट पर लोगे, या क्योंकि आपको मालूम है कि उससे अब आपको यूटिलिटी ज्यादा नहीं मिल रही है, तो अब आप क्या बोलोगे उसको कि भैया रेट कम करेगा तो लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। तो क्या लिखा है, ऑब्वियसली ए कंज्यूमर विल बाय एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी इफ ही हैज टू पे लेस। अगर आपको कम प्राइस पे करना पड़ेगा तो ही आप लोगे, अनलेस आप नहीं लोगे। तो इसका मतलब प्राइस कम होगा तो आप डिमांड करोगे, नहीं तो डिमांड नहीं करोगे। ये पहला रीजन है, इसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहता है। तो सबसे पहला रीजन जो है वो क्या हो गया, ड्यू टू लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड जो है वो क्या है जी, इनकम इफेक्ट। अब देखिएगा इनकम इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। पहले इनकम इफेक्ट का मतलब होता है जब एक पर्सन की रियल इनकम में फर्क पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में जो है, मैंने एग्जांपल लिया, सपोज यू हैव इनकम ऑफ 15 रुपीज, आपके पास पहले कितने रुपए थे, 15 रुपए आपके पास में थे, और आप जो है वो इसको एप्पल के ऊपर खर्च करते हो, और एप्पल का जो रेट है वो है 5 रुपए पर केजी, तो आप कितने खरीदते थे, 3 किलो, 5 रुपए 1 किलो के हैं तो 15 रुपए आपके पास है, तो 15 रुपए में कितने आएंगे, 3 किलो। कल को अगर एप्पल का रेट जो है वो क्या हो जाए, डाउन हो गया, और एप्पल का रेट जो है वो 5 रुपए केजी की जगह जो है कितना हो गया, 3 रुपए, तो आप बताइए उसी 15 रुपए में अब आप कितने एप्पल्स को परचेज कर सकते हो। सर अगर बात करेंगे तो अब हम जो है वो 3 की जगह, हम 3 किलो लेने के बाद हमारे पास कितना बचा, 6 रुपए अभी भी बच गए, 3 किलो एप्पल ले लिए हमने, और उसके लेने के बाद में भी कितना पैसा बचा, 6 रुपए, क्योंकि मेरे तो 15 रुपए थे, मेरे पास 9 रुपए खर्च हुए। अब 6 रुपए जो बचे, हम इस 6 रुपए को अगर मैं एप्पल पे यूज कंज्यूम करूंगा तो कितने एक्स्ट्रा एप्पल के यूनिट्स को मैं परचेज कर सकता हूं, सब 2 किलो एक्स्ट्रा और भी ले सकते हो। तो इसको बोलते हैं कि प्राइसेस के कम होने पर एक पर्सन की जो रियल इनकम है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, और जब रियल इनकम बढ़ती है तो वो उस बढ़ी हुई रियल इनकम को उसी सामान पे खर्च करता है, तो डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनकम इफेक्ट। पढ़ते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट एक इफेक्ट है दैट इज चेंज इन द पर्सन रियल इनकम। इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि जब क्या होता है, चेंज होता है किसमें, पर्सन की रियल इनकम में, किसके कारण, बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी हैज ऑन क्वांटिटी ऑफ दैट कॉमोडिटी। दोबारा पढ़ते हैं, इनकम इफेक्ट जो है वो इफेक्ट है चेंज डेट इज चेंज इन द पर्सन की रियल इनकम कोज बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी हैज ऑन द क्वांटिटी ऑफ डेट कॉमोडिटी। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, इनकम इफेक्ट। कि अगर मान लो आपकी जो है वो रियल इनकम जब क्या होगी, चेंज होगी, जब प्राइसेस में फर्क पड़ेगा ना तो आपकी रियल इनकम में फर्क पड़ेगा। मॉनिटरी इनकम तो वही सेम है, आज पहले भी 15 रुपए मिलते थे, आज भी 15 मिलते हैं, बट पहले उस 15 रुपए में मैं ओनली 3 यूनिट्स परचेज कर सकता था, और आज इस 15 रुपए में मैं उसी सामान के 5 यूनिट परचेज कर सकता हूं। तो नेचुरल बात है कि अगर रेट कम होंगे तो मैं डिमांड को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, क्योंकि रेट के कम होने पर मेरी रियल इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं यहां पे एक पॉइंट को बताऊंगा बारी बारी कि मॉनिटरी इनकम आपकी सेम रहेगी, ओनली रियल इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं आपका क्या, इनकम इफेक्ट। थर्ड इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का अगर मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लीजिए यहां पे, तो मैंने यहां पे एग्जांपल लिया, मान लो हम एक सामान में डील करते हैं, हमारा जो सामान है उसका नाम है कोक, ओके, हम कोक में, और हमारा जो सब्स्टिट्यूट है वो है क्या, पेप्सी, ठीक है, ये हमारा सामान है। आज की डेट में हम दोनों जो है वो एक ही रेट पे सामान बेचते हैं, कितने में, 10-10 रुपए में। अब कल को अगर पेप्सी वाला जो है वो 10 रुपए की जगह सामान को बेचना शुरू कर दे, कितने में, 12 में, लेकिन मैं अभी भी कितने में बेच रहा हूं, बोलो, 10 रुपए में, तो आप मुझे ये बताइएगा मेरा सामान उसके कंपैरिजन में सस्ता हो गया, नहीं हो गया, बोलो बोलो बोलो। अगर मान लीजिए मैं आज भी 10 में बेच रहा हूँ और वो अब कितने में बेच रहा है, 12 में, और ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा होता है, जिसको एक के बदले में मैं दूसरे को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अगर आपका टेस्ट पहले कोक का था, कोक और पेप्सी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर सिमिलर टेस्ट वाले हैं, तो लोग जो लोग पहले दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेते थे,
क्योंकि दोनों का रेट क्या था, सेम था। अब अगर पेप्सी का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो बताइए अब क्या होगा। सर अगर पेप्सी का रेट जो है वो 10 की जगह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 10 की जगह कितना हो गया, 12 हो गया, तो बताइए अब हमारा चाहे रेट सेम है लेकिन पेप्सी के कंपैरिजन में हम क्या हो गए, चीपर हो गए। तो उसकी वजह से होगा क्या, पेप्सी के बहुत सारे कस्टमर कोक को परचेस करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसकी वजह से भी पेप्सी की जो डिमांड है, पेप्सी की डिमांड वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम पेप्सी की बात करें यहाँ पे, तो पेप्सी की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि अगर पेप्सी रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, अगर पेप्सी जो रेट को क्या कर दे, बढ़ा दे, तो क्या होगा, पेप्सी के बहुत सारे कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे, कोक पे, तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक इफेक्ट है दैट इज चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में अगर क्या होता है, चेंज होता है, तो उसकी वजह से हमारे गुड्स के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बताइए किस प्राइस, किसके प्राइस में चेंज हुआ, सर सब्स्टिट्यूट गुड्स के। हमारा सामान कौन सा था, कोक। किस में चेंज हुआ, सर हमारा जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है पेप्सी, उसमें चेंज हुआ। उसके चेंज होने पर हमारी डिमांड के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आइएगा, तो सब्स्टिट्यूट वो गुड्स है डेट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। तो तीसरा कारण जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, जिसकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप रहेगा वो कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। इसके बाद है जी चौथा, डिफरेंट यूज। कई बार कुछ एक कॉमोडिटी होती है उसके अलग अलग यूज होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूंगा दूध का, तो दूध के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो यूजेस हैं। अगर आप बात करें दूध को आप डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हो, दूध से आप दही भी बना सकते हो, दूध को उबाल के आप जो है वो घी पनीर ये सब जो है बना सकते हो, इससे होता है ना जी सर। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए वो अगर उसका रेट जो है वो महंगा हो जाएगा, तो हम उसको लिमिटेड यूज करेंगे, ठीक है ना, हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर रेट कम हो जाएगा तो हम उसके यूजेस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और यूजेस अगर आप बढ़ाओगे तो नेचुरल बात है डिमांड भी क्या करोगे, ज्यादा करोगे। तो एक रीजन ये भी है डिफरेंट यूज, ये क्या होता है, सम गुड्स हैव मोर देन वन यूज, कुछ गुड्स ऐसी होती है जिनका एक से ज्यादा यूज होता है। द डिमांड फॉर द कमोडिटी विद द अल्टरनेट यूज टेंड्स टू एक्सटेंड, जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अपॉन द फॉल इन देयर प्राइस। जब उनके प्राइसेस जो है वो क्या होंगे, कम होंगे, तो उनकी डिमांड जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, जब वो सस्ता हो जाएगा ना, तो आप उसके अलग अलग यूज करना क्या कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे। तो अब हुआ क्या, प्राइसेस के कम करने पर आपकी डिमांड बढ़ गई है। एंड लास्ट इज द साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। अब क्या होता है, जब कोई सामान महंगा होता है ना, तो कुछ ही लोग उसको परचेस कर सकते हैं जो अमीर लोग हैं। और जब वो सामान सस्ता हो जाएगा, तो जो कंज्यूमर ग्रुप का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जो ऐसे गरीब लोग जो पहले उसको यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि उसका रेट महंगा था, जब उस सामान का रेट सस्ता हो गया, तो फिर क्या होगा, ऐसे लोग जो उसको पहले यूज नहीं करते थे वो भी उसको परचेस करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो अगर वो भी उसको परचेस करना स्टार्ट करेंगे, तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्या बोलते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, जब प्राइस जो है कमोडिटी का वो क्या होता है, गिरता है, देन मेनी कंज्यूमर, बहुत सारे कंज्यूमर जो अनेबल थे क्या करने में, पहले अनेबल थे टू बाय दैट कमोडिटी एट द प्रीवियस प्राइस, कम फॉरवर्ड, वो आगे आएंगे इसको क्या करने के लिए, खरीदने के लिए। चेंज इन द प्राइस कॉज चेंज इन द साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। तो अगर मान लीजिए प्राइसेस में क्या होता है, चेंज होता है, तो उसकी वजह से जो हमारा कंज्यूमर ग्रुप है उसका साइज भी जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो ये पांच रीजन है, इसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। तो वो पांच रीजन कौन कौन से हैं, आइए, सबसे पहला जो रीजन है वो तो क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, हाँ जी। दूसरा क्या, इनकम इफेक्ट के कारण भी जी। तीसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण। चौथा अलग अलग यूज। एंड पांचवा जो है वो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। इन पांचों के बेस पर हम बोलते हैं कि हमारा जो डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। और इसके पीछे सबसे मेन रीजन ये है, क्योंकि प्राइस में, और देखिए जब दो आपके जो वेरिएबल्स हैं, जब दो वेरिएबल के अंदर रिलेशन आपका नेगेटिव होता है, तो डिमांड कर्व या कोई भी जो कर्व बनेगा हमेशा नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। और अगर दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है वो अगर पॉजिटिव होता है, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है, इसको पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं, तो फिर वहां पर जो कर्व बनता है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो, हमने डिमांड क्या होता है वो पढ़ लिया, डिमांड का डेफिनेशन हो गया, और ये भी पढ़ा कि डिमांड कर्व क्या और डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। अब क्वेश्चन आता है कि डिमांड को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स, जो मिल करके एक प्रोडक्ट की डिमांड को बनाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो डिटर्मिनेंट्स मतलब ये डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, ये क्या होगा, ये डिपेंड करेगा इन सब के ऊपर।
ये अलग अलग फैक्टर हैं, मतलब या कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वो अपने को पढ़ना है। सबसे पहले नंबर पे जो है वो आया क्या, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, जो प्राइस है किसका, उस प्रोडक्ट का। तो ये भी हमारी डिमांड को क्या करता है, प्रभावित करता है। हमको मालूम है अगर प्राइसेस जो है वो क्या होंगे, कम होंगे, तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा, और प्राइस के बढ़ने पर डिमांड क्या होगी, कम। तो क्या बोलते हैं, ये इट अफेक्ट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट टू ए लार्ज एक्सटेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डिक्रीज, जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी विद एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस, मतलब प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होगी, व्हाइल अदर फैक्टर आर कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा। और वाइस वर्सा में क्या कि अगर प्राइस है वो क्या होंगे, कम होंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या आ गया, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये आपकी डिमांड को जो है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो मतलब एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए पेन है, इस पेन की डिमांड को सबसे पहला जो फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है वो है इसका प्राइस। इस पेन की डिमांड को सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है इसका प्राइस। अगर इसका प्राइस कम रहेगा तो इसकी डिमांड ज़्यादा, इसका प्राइस अगर ज़्यादा रहेगा तो इसकी डिमांड क्या रहेगी, कम रहेगी। सेकेंड इज द इनकम, इसको परचेज, इसकी डिमांड को अफेक्ट करने वाला दूसरा फैक्टर आ गया क्या, इनकम, मतलब इसको परचेज करने वाले जो लोग हैं उनकी इनकम कैसी है। नेचुरल बात है, अगर ये नॉर्मल गुड्स है, अगर इनकम ज़्यादा होगी तो इसकी डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा, और अगर इनकम कम होगी तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है इनकम के बारे में, इट कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम जो है कंज्यूमर की वो अफेक्ट करती है हिज और हर परचेजिंग पावर, उसकी परचेजिंग पावर को क्या करता है, इफेक्ट करता है, विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर वुड ऑटोमेटिकली इंक्रीज द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट बाय हिम और हर, व्हाइल अदर फैक्टर आर एट कॉन्स्टेंट एंड वाइस वर्सा। तो बोलता है कि नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, तो हम डिमांड को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि जब इनकम बढ़ रही है तो हमारी परचेजिंग पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है, हमारी औकात जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और उस बढ़ी हुई परचेजिंग पावर से हम जो है वो क्या करेंगे, डिमांड भी ज्यादा करेंगे। और वहीं अगर इनकम जो है वो क्या होगी, कम होगी, तो हमारी परचेजिंग पावर भी कम होगी या औकात भी कम होगी, तो हम डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे। द इनकम डिमांड रिलेशनशिप कैन बी एनालाइज बाई ग्रुपिंग गुड्स इंटू फोर कैटेगरी, यहां पर जो गुड्स है उनको चार कैटेगरी में पहले जो है वो डिवाइड किया गया, क्योंकि चारों में सिस्टम क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। एक होता है असेंशियल कंज्यूमर गुड्स, एक है इन्फीरियर गुड्स, एक नॉर्मल, और एक कौन सा, लग्जरी। एक एक करके पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड ईच ऑफ दीज गुड्स इज एक्सप्लेन एज फॉलो। सबसे पहले नंबर पे आ गया एसेंशियल या बेसिक कंज्यूमर गुड्स। असेंशियल या बेसिक कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है, इट रेफर टू द गुड्स दैट आर कंज्यूम बाय ऑल द पीपल इन द सोसाइटी, जो असेंशियल है, जरूरी है, भाई ये गुड्स तो हमारे पास होनी चाहिए, भाई इन गुड्स की तो हम डिमांड करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, असेंशियल गुड्स या फिर क्या, बेसिक कंज्यूमर गुड्स। ओके, अब इनके केस में क्या होता है, इनके एक लिमिट तक, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद इनकी डिमांड जो है वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर, पहले आपको पूरे महीने का 1000 रुपये मिलता था, और आप जो है वो इसके इस 1000 रुपये में से जो है वो मान लो एक असेंशियल गुड्स से, मान लो मिल्क, आप सिर्फ एक ही टाइम जो है वो दूध पीते थे, सिर्फ सुबह सुबह आप दूध पीते थे। ओके, अब कल को अगर आपका जो है वो इनकम क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है, पहले आप ओनली एक ग्लास दूध पीते थे, अब क्या होगा, जब आपकी इनकम बढ़ेगी, जो दूध जो है वो आपका बेसिक कंज्यूमर गुड्स है या असेंशियल गुड्स है, अगर आपकी इनकम 1000 से बढ़ के जो है वो 10000 होगी, तो मेरा छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मिल्क की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। सर, अब हम एक की जगह जो है वो दो ग्लास कर देंगे, पहले ओनली सुबह सुबह दूध पीते थे, अब हम रात को भी पियेंगे, या मान लो कुछ लोग दोपहर को भी पीना शुरू कर देंगे। बट द क्वेश्चन इज, क्या ऐसा हो कि इनकम और बढ़ेगी तो दूध की डिमांड और बढ़ेगी, ऐसा है क्या? मान लो इनकम 10000 की जगह जो है, जैसे 1000 रुपये जब आपकी इनकम थी तो आप सिर्फ एक ग्लास पीते थे, 10000 इनकम पर आपने 3 ग्लास पीना कर दिया दिन में। अब कल को अगर आपकी इनकम 10000 की जगह जो है वो 1 लाख होगी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब बताइए कि क्या अब मिल्क की डिमांड आप और ज़्यादा बढ़ाओगे क्या? सर, अब नहीं होगा, क्योंकि सुबह पी लिया, दोपहर को पी लिया, रात को पी लिया, ऐसा थोड़ी है कि हम दूध, मतलब रोटी की जगह दूध पीना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। जी सर, तो इसका मतलब क्या हो गया, असेंशियल गुड्स में क्या होता है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो एक लिमिट तक ही असेंशियल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, उसके बाद इनकम के बढ़ने पर हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो क्या बोलते हैं, पढ़े एग्जाम्पल देखे, जैसे फूड ग्रेन, सोप, ऑयल, कुकिंग फ्यूल एंड द क्लोथ, द क्वांटिटी डिमांड फॉर द बेसिक कंज्यूमर गुड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर बट अप टू ए फिक्स्ड लिमिट, लेकिन एक फिक्स लिमिट तक ही बस वो जो डिमांड है वो क्या होगी, बढ़ेगी, वाइल अदर फैक्टर आर कॉन्स्टेंट। देखिए, इनकम बढ़ी तो पहले आप इतने यूनिट्स परचेज करते थे, अब आपने क्या कर दिया, डिमांड को बढ़ा लिया, लेकिन इनकम आपकी जो है वो इससे और बढ़ गई, Y1 से Y2 पे चलेगी। अब बताइए क्या हुआ, सर इनकम के बढ़ने पर अब मेरी डिमांड जो है वो एक्स्ट्रा
नहीं बढ़े। तो बेसिक कंज्यूमर गुड्स के अंदर जो है वो क्या होगा, इनकम के बढ़ने पर एक लिमिट तक ही डिमांड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, एक लिमिट के बाद फिर अब डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो यह है पहला। दूसरा होता है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में जो है वो क्या होगा, इनकम के बढ़ने पर इनकी डिमांड भी लगातार बढ़ती जाएगी। इट रेफर टू द गुड्स विच डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज द कंज्यूमर गुड्स। एग्जांपल लाइक कपड़े हो गए, व्हीकल्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए, आर डिमांडेड इन रिलेटिवली इंक्रीजिंग क्वांटिटी विद इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो है वो रिलेशनशिप कैसा रहेगा, पॉजिटिव, मतलब आपकी अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है जी, तो ये देखो ये लगातार बढ़ते जा रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं है, लगातार बढ़ते जा रहा है। फिर आएगा एक इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स जो है वो क्या होती हैं, जो घटिया क्वालिटी की जो गुड्स होती है, इनको आगे डिटेल में चर्चा भी करेंगे। अभी के लिए बस ये ध्यान रखो कि इन्फीरियर गुड्स हैं क्या, जो घटिया क्वालिटी की जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बोलते हैं इन्फीरियर। लाइक एग्जांपल के तौर पे एक बार मैं आपको लेके चलता हूं कि दो तरह की गुड्स है, एक मान लो मैं देसी घी की बात कर रहा हूं और एक मैं मान लो डालडा की बात कर रहा हूं, ओके, रिफाइंड की बात कर रहा हूं। अब देखिएगा, अगर आपकी इनकम जो है वो पहले क्या थी, मान लीजिए कम थी, तो आप डालडा को यूज़ करते थे। अब कल को अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो बताइए, अब आप डालडा को यूज़ करेंगे, देसी पे चले जाओगे, सर अब देसी घी खाना शुरू कर देंगे, तो क्या इनकम के बढ़ने पर अगर आपकी इनकम बढ़ी तो बताइए इन्फीरियर गुड्स जो डालडा, उसकी डिमांड क्या हुई, सर उसकी डिमांड कम हुई, इसको बोलते हैं इन्फीरियर। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम के बढ़ने पर लोग जो है वो इन्फीरियर से किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, नॉर्मल गुड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या उससे कि अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो क्या होगी, कम होगी। इट रेफर टू द गुड्स हुज डिमांड डिक्रीज, जिनकी डिमांड कम होती है विद इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। यहां पे जो रिलेशन है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कंज्यूमर की जो इनकम है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, दूसरी तरफ इन्फीरियर जो गुड्स है उनकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए जो रिलेशन है वो कैसा है, नेगेटिव है। और जो लास्ट है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लग्जरी। लग्जरी गुड्स के केस में क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव रहेगा। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लग्जरी गुड्स की डिमांड क्या करोगे, ज्यादा करोगे। इट रेफर टू द गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम। लग्जरी गुड्स आर यूज फॉर द प्लेजर एंड द एस्टीम ऑफ द कंज्यूमर। तो यहां पे जो रिलेशन रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आगे तीसरा एक फैक्टर जो आप जो ध्यान से सुनना, तीसरा फैक्टर जो इस प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करेगा वो है जी आपका टेस्ट। अगर आप इसको प्रेफर करते हो दूसरे पेन के मुकाबले में तो नेचुरल बात है कि इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर आप इसको प्रेफर नहीं करते, आप दूसरे पेन को प्रेफर करते हो तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, इसकी डिमांड क्या रहेगी, कम। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम पर एक नया पेन चला था, उसका नाम था सेलो ग्रिपर। तो हम लोग सेलो ग्रिपर जो है वो फुल यूज़ करते थे, ठीक है। उससे पहले था सेलो का एक फाइन ग्रिप, सेलो फाइन ग्रिप। तो पहले फाइन ग्रिप की डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब ग्रिपर आ गया तो ग्रिपर के आने की वजह से जो है वो फाइन ग्रिप की डिमांड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमारी प्रेफरेंस जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। हम फाइन ग्रिप से कहां चले गए, ग्रिपर पे चले गए। तो पहले पांच पांच के ना वो पैकेट आते थे, आई थिंक अब भी आते होंगे, अब तो हम नहीं ले गए थे वो। तो पहले क्या था कि हम लोग जो है वो क्या करते थे, वो पांच पांच के पैकेट को लेके आते थे। जब ग्रिपर था, ग्रिपर के आने से पहले हम सेलो फाइन ग्रिप को यूज़ करते थे, और जब अब हमारा प्रेफरेंस जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, तो अब हम फाइन ग्रिप की जगह किसको लेने लग गए, ग्रिपर को। तो अब ग्रिपर की डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। इसका मतलब ये हो गया, अगर एक कंज्यूमर जो है उसकी किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के प्रेफरेंस जो है वो बढ़ती है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है। पढ़ते हैं, टेस्ट प्रेफरेंस, टेस्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इट प्ले ए मेजर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द इंडिविजुअल एंड द मार्केट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। द टेस्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर अफेक्टेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर लाइक लाइफस्टाइल हो गया, कस्टम हो गया, कॉमन हैबिट, चेंज इन द फैशन, स्टैंड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा। ए चेंज इन एनी ऑफ दीज फैक्टर, अगर इनमें कोई, इन फैक्टर्स में अगर कोई चेंज होता है, इट लीड्स टू चेंज इन द टेस्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कॉन्सिक्वेंटली कंज्यूमर रिड्यूस कर देगा कंजम्पशन करना ओल्ड प्रोडक्ट का एंड एड करेगा न्यू प्रोडक्ट इन देयर कंजम्पशन। एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ चेंज इन द फैशन, कंज्यूमर विल प्रेफर न्यू एंड एडवांस प्रोडक्ट ओवर द ओल्ड फैशन प्रोडक्ट प्रोवाइडेड डिफरेंस इन द प्राइस आर प्रोपोर्शन टू देयर इनकम। तो जिस प्रोडक्ट के प्रति आपका टेस्ट अगर बढ़ जाएगा तो आप उसकी डिमांड ज्यादा करोगे और बाकी की डिमांड कम करोगे। एक है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब जो रिलेटेड गुड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट क्या, जिसको एक के बदले में दूसरे को यूज कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको बताया भी, सेलो का फाइन ग्रिप पहले पहना था, उसके बाद सेलो का ग्रिपर आया, तो सेलो फाइन ग्रिप की जगह मैं सेलो ग्रिपर को यूज कर रहा हूं, तो सेलो फाइन ग्रिप और ग्रिपर दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो क्या, इट रेफर टू द गुड्स जो सेटिस्फाई करते हैं सेम नीड ऑफ द कंज्यूमर बट एट द डिफरेंट प्राइस। लाइक टी, कॉफी, ज्वार बाजरा एंड द ग्राउंडनट ऑयल एंड द सनफ्लावर ऑयल आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स रिजल्ट इन इंक्रीज द डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट। अगर कल को एग्जाम्पल मान लो मैं लेके चलता हूं,
मान लीजिए सेलो का फाइन ग्रिप, सेलो का फाइन ग्रिप भी 5 का और ग्रिपर भी कितने का 5 का। ओके एक बार मानता हूं कि आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है और टेस्ट प्रेफरेंस को मैं एक बार इग्नोर कर रहा हूं। कल को अगर सेलो फाइन ग्रिप जो है वो 5 की जगह हो जाएगा कितने का 6 का, तो सेलो फाइन ग्रिप के बहुत सारे कस्टमर चले जाएंगे कहां पे, सेलो ग्रिपर पे। ठीक है, तो इसके रेट बढ़ने पर क्या होगा, ग्रिपर की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब फाइन ग्रिप की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पे क्या बोलते हैं कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स रिजल्ट इन इंक्रीज द डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। अगर आपने अपने रेट को जो है वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 5 की जगह 6 कर दिया, तो सब्स्टिट्यूट जो गुड्स है ना उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देयरफॉर कंज्यूमर यूजली प्रेफर टू परचेज द सब्स्टिट्यूट इफ द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स गेट्स इंक्रीज। चलो जी, और दूसरा होता है कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जिनको, जो दो गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्री तब बोलेंगे जब दोनों को एक साथ हम लोग जो है वो क्या करते हैं, दोनों का एक साथ यूज जो है हम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर यूज को पूरा करने के लिए। तो इसको बोलते हैं क्या, इट रेफर टू द गुड्स डेट आर कंज्यूम साइमल्टेनियसली। ये वो गुड्स है जिनको हम कंज्यूम करते हैं कैसा, साइमल्टेनियसली, एक साथ, इन कॉम्बिनेशन में। इन अदर वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर कंज्यूम टूगेदर। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनको एक साथ हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, कार, पेट्रोल, टी, शुगर आर यूज टूगेदर। गुड्स आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। अब इनवर्सली रिलेटेड का मतलब यहां पे अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये बात ध्यान रखना, तो कॉम्प्लीमेंट्री में जो है वो क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा कि एक के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरे की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए क्या होगा, मैं लेके चलता हूँ, मान लो कार पेट्रोल की अगर हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल मान लो कि अगर कार के, अगर पेट्रोल के जो है वो रेट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो अब लोग जो है वो पेट्रोल वाली कार की डिमांड जो है वो क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मान लो अगर अभी ये 100 पार हुआ, कल को 200 लीटर हो जाएगा, तो कौन लेगा भाई उसको, कोई भी नहीं लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर पेट्रोल के रेट अगर बढ़ेंगे तो पेट्रोल वाली जो कार जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी, क्योंकि पेट्रोल और कार जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ना जी, तो पेट्रोल वाली कार की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है फ्यूचर को लेकर के। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर जो है वो रेट बढ़ेंगे तो आप आज ही डिमांड क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, और अगर आपको लगता है फ्यूचर के अंदर रेट कम होंगे तो आप अपनी डिमांड को जो है वो क्या कर दोगे, डेफर कर दोगे फ्यूचर के लिए। तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। इट इंप्लाइड दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर अबाउट द फ्यूचर चेंज, कि फ्यूचर के में जो आपका प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस में फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है, ये भी अफेक्ट करता है डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द शॉर्ट रन। फॉर एग्जांपल इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ द पेट्रोल वुड राइज इन द नेक्स्ट वीक, देन द डिमांड ऑफ द पेट्रोल वुड इंक्रीज इन द प्रेजेंट। फिर इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जितना एडवर्टीजमेंट आप ज्यादा करोगे उतनी आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, और एडवर्टीजमेंट के कम होने पर डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। तो मैं सिंपल सा बताता हूं, कंज्यूमर हाईली सेंसिटिव होते हैं अबाउट एडवर्टीजमेंट के बारे में, एज सम टाइम दे गेट अटैच टू द एडवर्टीजमेंट एंडोर्स बाय देयर फेवरेट सेलिब्रिटी। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर आपका फेवरेट सेलिब्रिटी किसी एक प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है तो आप भी उस सामान को परचेज करना क्या कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सभी लोगों की इनकम है, तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ तो बहुत अमीर है और कुछ बहुत ही गरीब है, तो वहां पर डिमांड जो है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। आगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये तो सिंपल सा है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा डिमांड करेंगे, और पॉपुलेशन के कम होने पर डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी का भी जो है वो क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। अगर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आ गई हाई टैक्स पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगेगी, तो आप बताइए क्या होगा, सर टैक्स के ज्यादा लगाने पर लोगों की इनकम कम हो जाएगी और सामान महंगा भी हो जाएगा, तो फिर नेचुरल बात है डिमांड क्या रहेगी, कम। और अगर गवर्नमेंट टैक्स को हटा दे, सब्सिडी देना शुरू कर दे बल्कि, तो फिर क्या होगा, प्राइसेस कम होंगे और डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी हमारे सामान के ऊपर जो है इंपैक्ट पड़ता है। फिर है क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन का भी इंपैक्ट पड़ता है। इसका मतलब क्या, सर्दियों के अंदर गर्म कपड़ों की जो वुलन जो क्लोथ है उनकी डिमांड क्या, ज्यादा रहती है, और गर्मियों के अंदर जो है वो आपके कॉटन के जो कपड़े उनकी जो है डिमांड क्या रहती है, ज्यादा रहती है। कूलर की डिमांड, फ्रिज की डिमांड जो है क्या रहती है, गर्मियों में ज्यादा रहती है। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेट का भी जो है वो हमारे एक प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर जो है इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सब केसेस है, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, दिस ऑल आर द डिटरमिनेंट्स, ये वो सब डिटरमिनेंट्स है जो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड को जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ओके, तो इनको डिटरमिनेंट्स भी बोलते हैं, या इनको बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ द कमोडिटी।
यहाँ देखो ओके क्या जी सर, लो जी। तो आज हमने क्लास के अंदर पढ़ा है एक तो डिमांड क्या है, फिर हमने पढ़ लिया डिमांड कर्व क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या, फिर हमने पढ़ा डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों रहता है, उसके पांच रीजन पढ़े, और फिर हमने पढ़ा कि डिमांड को डिटरमाइन करने वाले हमारे जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर भी हमने कंप्लीट किए। तो आज की क्लास में इतना कीजिए। इसके अलावा जो आगे के टॉपिक है लो ऑफ डिमांड, फिर आएगा करेक्टरिस्टिक क्या है, फिर आएगा जी आपका ये एक्सेप्शंस क्या है इसकी, ये 8-10 एक्सेप्शन है ये, और फिर इसके टाइप ऑफ डिमांड, और फिर लास्ट एक टॉपिक बचा है इसके अंदर अपना ये क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, जो मूवमेंट और शिफ्टिंग वाला ये जो केस है, ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी सर, दो लेक्चर लगेंगे डिमांड के ऊपर, पूरा डिमांड ढंग से समझ में आ जाएगा, देन उसके बाद पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, फिर पढ़ेंगे हम किसको फोरकास्टिंग को। ओके जी सर, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा, और वीडियो को हम अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए ताकि जैसे मैं नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, और आपकी तैयारी और भी अच्छी। और अगर आप लोग हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर, तो आप उसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।